दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, पीटीआई राजस्थान पीटीआई फिजिकल एजुकेशन टीचर 2014 का ये एग्ज़ाम है। तो अभी हाल ही में पीटीआई की राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, तो इसका जो प्रीवियस पेपर था 2014 में पूछे गए थे क्वेश्चन किस टाइप के थे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित है संचालित की जाती है, यह कथन किसका था? यह कथन था जेफ विलियम्स का। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन था, स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया था। फोर्थ नंबर था, मदिरा शिरा मांसपेशी का प्रयोग होता है, घुटने मोड़ने में होता है, हेमिस्ट्रिन का प्रयोग, हेमिस्ट्रिन मसल सियोजिन नी फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव था, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं, ये सामाजिक व्यवहारिकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन था, शारीरिक दक्षता क्षमता क्या है? ये दैनिक कार्य करने की क्षमता ही है। सेवंथ नंबर था, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है, तो ये काइफोसिस की वजह से होती है। एट नंबर क्वेश्चन था, शारीरिक विकलांगता क्या होती है? कुपोषण के कारण होती है ये। नाइन नंबर क्वेश्चन था, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नाक या नोज का कारण होती है, घुटने जुड़ने का कारण होती है, ये किसका कथन है? यह पासर्च कुबजता का है, स्कोलियोसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तो ट्रम्पोलिन है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है? तो वो है संस्कृति। नेक्स्ट था, किसी प्रक्रिया के दूरी सदैव समतल पर बनाता है? तो वह समकोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 था, खेलकूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? तो तीसरे दर्जे का जो लीवर है वो खेलकूद में सर्वाधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन था, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है? त्वरण का नियम है ये, जिसे स्वयं का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? ये द्वितीय श्रेणी का लीवर है, पैर के उंगलियों पर शरीर को उठाना द्वितीय श्रेणी का लीवर कहलाता है। खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है क्रायोथेरेपी होती है, खेल की चोटों में चिकित्सा है तो सर्वप्रथम क्रायोथेरेपी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में पुनर्वास का क्या प्रयोग करने से क्या होता है? पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है वह करेक्टिव एक्सरसाइज होती है। चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? थोरोसिक भाग से है। दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर क्या होता है? बूढ़े व्यक्ति में ऐसा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन था, एक गर्मी में पीड़ित व्यक्ति के किस प्रकार प्राथमिक उपचार देनी चाहिए? तो पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो संकुचन विधि क्या कहलाती है? आइसोमेट्रिक कहलाती है। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? साइटोरियस है। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? कोणीय विस्तार से है ट्राइसेप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मेसिट्रा होती है ये, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं।
सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? पांव के निचले भाग में होती है सोलियस मांसपेशी। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशी है कि आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? घुटने का अंकुचन है, शारीरिक बनावट सूचक है, शारीरिक बनावट है, वो व्यक्ति शारीरिक योग्यता का परीक्षण है, ये शारीरिक योग्यता का सूचक है, शारीरिक बनावट। कौन से कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? शारीरिक बनावट, मनोविज्ञान और शारीरिक क्रिया, ये सभी कारण है दक्षता को प्रभावित करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है, मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में भी चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को जाना जाता है। ज्यादातर मांसपेशियां जो कुल्ले के जोड़ की गति प्रदान करती है उसको उद्गम श्रोणि से होता है। 31 नंबर क्वेश्चन था, आदर्श धावन पथ है माना जाता है, आदर्श धावन स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक का, वो 400 मीटर का होता है। एक है डेक्कन में होते हैं, डेक्कन में 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक है कृष्णा पुनिया। पुरुषों के डिस्कस का वजन 200 किलोग्राम होता है। और महिलाओं के लिए 2 किलोग्राम पुरुषों के लिए डिस्कस का और 1 किलोग्राम महिलाओं के लिए होता है। 35 नंबर क्वेश्चन था, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक होता है गुणवत्ता। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सुशील कुमार किस खेल से है? कुश्ती से।